आज हम बनाएंगे बिना गाजर को घिसे बहुत ही कम मेहनत में और बहुत ही कम समय में झटपट हलवाई स्टाइल गाजर का हलवा। और ये गाजर का हलवा एकदम मुंह में घुल जाने वाला बहुत ही स्वादिष्ट हलवा है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशा और स्वागत करती हूं आपका मेरे चैनल कुक डिलीशियस विद आशा में। तो आइए मज़ेदार गाजर के हलवे की रेसिपी शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने ये 2 किलो गाजर ली है और ये बहुत मोटी गाजर नहीं है। और इनको एक पानी से मैंने वॉश कर लिया है और दूसरे पानी से मैं फिर से इन्हें वॉश करूँगी। और उससे पहले ऊपर और नीचे से थोड़ा काट के और इसके जो रेशे हैं इनको हम चाकू से खुरच लेंगे। और आप चाहे तो पतले छिलके इनके नाइफ से छिल सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने सभी गाजरों को ऊपर नीचे से कट करके और छिल कर इनको तैयार कर लिया है। और इनको एक बार फिर से मैंने वॉश कर लिया है और अब इनको छोटे छोटे पीसेज में मैं कट कर रही हूँ। तो इंस्टेंट गाजर का हलवा बनाते वक्त आप इन बातों का ध्यान रखिए कि गाजर आपको बहुत ज़्यादा मोटी नहीं लेनी है और गाजर का येलो पार्ट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। गांठ वाली गाजर हमें नहीं लेनी है, एकदम रेडिश गाजर हमें लेनी है। और अब इन सभी कटी हुई गाजर को मैंने एक कुकर में डाल दिया है और अब गैस हम ऑन कर लेंगे। हाई फ्लेम पर हम गाजर को थोड़ा सॉफ्ट होने देंगे और ऊपर से 1 चम्मच देसी घी भी मैंने इसमें डाल दिया है। और अब हाई फ्लेम पे गाजर को देसी घी के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो देसी घी को पहले कुकर में गरम करने रख लें और उसके बाद गाजर को ऐड कर लें, या आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। वैसे भी हाई फ्लेम पे कुकर के गर्म होते ही घी भी हमारा मेल्ट हो जाएगा। और अब हम ये 7 से 8 इलायचियों को कूट कर इसका एक पाउडर बना लेंगे और इसको भी हम कटी हुई गाजर में ऐड कर लेंगे। तो मैं इलायची के छिलके समेत ही गाजर में ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो छिलकों को हटा भी सकते हैं। और अब गाजर को बॉईल करने के लिए मैंने 1/2 लीटर फुल क्रीम दूध को 3-4 बार गर्म करके ये गाढ़ा हो जाएगा, इसको 1 गिलास में कन्वर्ट करके हम गाजर में कुकर में ऐड कर लेंगे। आप कोई भी दूध ले सकते हैं, मैंने फुल क्रीम लिया है। और वैसे भी हम इसमें खोया भी ऐड करेंगे। अगर आप खोया ऐड नहीं कर रहे हैं तो आप फुल क्रीम दूध ही लें। और हलवे में डालने के लिए मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, 2 चम्मच किशमिश, 2 चम्मच बादाम और 2 चम्मच काजू और 1 चम्मच मैंने पिस्ता लिया है। तो ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के कम ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब हम कुकर में 3 सीटी आने देंगे। तो देखिए, हमने क्योंकि इसमें घी डाला था तो दूध सीटी आते वक्त हल्का सा ऊपर आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आएगा क्योंकि गाजर को दूध में बॉईल करते वक्त हमने 1 चम्मच घी भी इसमें डाला था। और अब हमारी 3 सीटियाँ आ गई हैं। अब कुकर को हम अपने आप ठंडा होने देंगे। तो बॉईल की हुई गाजर हम हटा देंगे। और अब गैस पर मैंने एक कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें 2 टेबल स्पून मैंने देसी घी डाल दिया है। और घी के थोड़ा सा मेल्ट होते ही हम इसमें अपने कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालकर 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। ऐसा करने से ड्राई फ्रूट्स में क्रंची टेस्ट आता है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इनको हल्का सा 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। और साथ ही में मैंने थोड़ा सा नारियल भी इसमें डाला है क्योंकि मेरे पास ये अवेलेबल था। आप तो थोड़ा सा सूखा गोला भी मैंने इसमें डाल के फ्राई कर लिया है। अब सभी ड्राई फ्रूट को मैंने 1 प्लेट में निकाल लिया है। तो हलवे में डालने के लिए मैंने ये 1/2 किलो खोया लिया है और कढ़ाई में घी बचा हुआ है और थोड़ा गर्म भी है, तो इसी में हम अपने खोए को भी थोड़ा फ्राई करके भून लेंगे। खोया फ्राई करने से इसमें लंबे समय तक खट्टापन नहीं आता और हलवा हमारा ज़्यादा लंबे समय तक चलता है और वो ख़राब भी नहीं होता। तो देखिए, लो टू मीडियम फ्लेम पर खोए को भी हम अच्छे से क्रश करते हुए भून लेंगे। तो लो फ्लेम पर कंटिन्यू स्टर करते हुए 2 से 3 मिनट तक हम इसको भून लेंगे। और आप देख सकते हैं, जैसे जैसे ये भून रहा है ये मेल्ट हो रहा है क्योंकि खोए में अपना ही घी होता है। और अब मैंने गैस ऑफ कर दिया है और इसको 1 प्लेट में हम निकाल लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि कुकर भी हमारा ठंडा हो गया है और अब मैं इसे धीरे धीरे से ओपन कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि गाजर का कलर एकदम चेंज हो गया है, ये रेडिश से एकदम येल्लो टाइप हो गई है। और गाजर हमारी बहुत ही अच्छे से गल गई है। आप देख सकते हैं कि गाजर हमारी एकदम से गलकर सॉफ्ट हो गई है और ये देखिए इजीली ये मैश हो रही है। तो अब हम अगले प्रोसेस में चलते हैं। तो हम इसको इजीली मैश कर सकते हैं। आप किसी हैवी स्पैचुला से इसे मैश कर लें इस तरह से, या फिर आप किसी पोटैटो मैशर की हेल्प से भी आप इनको मैश कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैं पोटैटो मैशर की हेल्प से इनको अच्छे से मैश कर रही हूँ। तो बहुत इजीली ये मैश हो जाते हैं। अगर आपकी गाजर रेशे वाली या गांठ वाली नहीं है तो आपको मैश करने में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अब गाजर हमने रफली मैश कर ली है, लेकिन अभी इसमें दूध भी बाकी बचा है। तो अब हम हाई फ्लेम पर इसको फिर से पकाएंगे और इसका सारा दूध ड्राई कर लेंगे और कंटिन्यू से स्टर करते हुए गाजर को भी मैश करते रहेंगे। और दूध के ड्राई होते ही गाजर भी हमारे अच्छे से मैश हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि दूध बिल्कुल कम हो गया है और गाजर हमारी काफ़ी ड्राई हो गई है। तो इसको अब हमने हटा दिया है और अब गैस पे हम सेम वही कढ़ाई रखेंगे जिसमें हमने खोया फ्राई किया था। 2 टेबल स्पून इसमें हम देसी घी डालेंगे और घी के मेल्ट होते ही हमने प्रेशर कुकर वाली मैश की हुई गाजर इसमें सारी ऐड कर ली है। और जो हल्का फुल्का दूध बचा है उसको भी हम हाई फ्लेम पर ड्राई कर लेंगे। तो गैस को हम हाई फ्लेम पर ही रखेंगे
और ये देखिए सारी मैश की हुई गाजर हमने कढ़ाई में ऐड कर ली है। और अब हाई फ्लेम पर 10 मिनट तक फिर से हम इसे ड्राई होने देंगे। और साथ ही में हमने इसमें एक कटोरी करीबन 100 ग्राम के करीब चीनी ऐड कर ली है। हम इसमें 150 ग्राम चीनी ऐड करेंगे। आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप 200 ग्राम चीनी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये हाफ़ कटोरी चीनी की मैंने फिर से ऐड कर दी है। तो मैंने डेढ़ कटोरी करीबन 150 ग्राम चीनी इसमें ऐड कर ली है और हाई फ्लेम पर कंटिन्यू से स्टर करके हम ड्राई कर लेंगे। 150 ग्राम चीनी 2 किलो गाजर के हलवे में इनफ है। आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप 2 कटोरी यानी 200 ग्राम चीनी इसमें डाल सकते हैं। तो चीनी के ऐड करते ही आप देख सकते हैं कि हलवा हमारा फिर से थोड़ा गीला हो जाएगा, लेकिन हाई फ्लेम पर कंटिन्यू चीनी की चाशनी मेल्ट होते ही उसको भी हम ड्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करें। और मेरी रेसिपी से रिलेटिव कोई क्वेश्चन या क्वारीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो आप देख सकते हैं कि हलवा पूरी तरह ड्राई हो गया है और अब हम इसमें अपना खोया ऐड कर लेंगे। तो मैंने ये मार्केट वाला खोया लिया है, आप होममेड खोया भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए खोए को भी हम अच्छे से हलवे में मिक्स कर रहे हैं। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हलवा हमारा ड्राई हो रहा है वैसे वैसे इसका कलर भी चेंज हो रहा है। और खोए गाजर के हाई फ्लेम में पकते ही इसमें से घी रिलीज़ होगा, खोया भी अपना घी रिलीज़ करता है। और अब 1 से 2 टेबल स्पून देसी घी मैंने और ऊपर से डाल दिया है, क्योंकि हलवे में जितना ज़्यादा घी होगा उतना ही हलवा खाने में टेस्टी लगेगा, लेकिन आप कम घी में भी इसे बना सकते हैं। आप अगर कम घी खाना पसंद करते हैं तो आप कम घी में भी हलवे को बनाकर तैयार कर सकते हैं। और अब ये देखिए ऊपर से मैं इसमें रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट भी डाल रही हूँ और थोड़े से ड्राई फ्रूट हम बचा लेंगे प्लेट में सर्व करने के लिए ऊपर से गार्निश के लिए। तो फ्रेंड्स, इसको कुक करते हुए करीबन मुझे 10 मिनट हो गए हैं। हाई फ्लेम पर ये अच्छे से ड्राई हो गया है और सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हलवे में से घी भी रिलीज़ होने लगा है। तो अब हमने गैस का फ्लेम लो कर लिया है और लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक फिर से हम इसे कंटिन्यू स्टर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इस हलवे को बनाने के लिए 1/2 लीटर फुल क्रीम दूध और 1/2 किलो खोए का यूज़ किया है। आप इनकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही कम सामान से और बहुत ही कम समय में मैक्सिमम आपको इसको बनाने में 20 से 25 मिनट लगेंगे और बिना गाजर को घी से कम मेहनत में ये इंस्टेंट बनकर तैयार हो जाता है। तो आप भी इस तरह से बनाइए इन सर्दियों में बहुत ही स्वादिष्ट गाजर का हलवा। और फ्रेंड्स, ज़्यादा क्वांटिटी में गाजर के हलवे की रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पे दी है, आप चाहे तो उनको भी चेक कर लीजिए और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये लीजिए गर्मा गर्म गाजर का हलवा मैंने एक बाउल में सर्व कर लिया है और अब ऊपर से मैं इसमें गार्निश कर रही हूँ थोड़ा सा खोया और थोड़े से रोस्टेड ड्राई फ्रूट से हम इसे डेकोरेट कर लेंगे। तो है ना दोस्तों, ये गाजर का हलवा बनाना बहुत ही आसान और बहुत ही कम समय में बिना गाजर को घी से झटपट एकदम हलवाई स्टाइल गाजर का हलवा आप बनाकर तैयार कर सकते हैं और एकदम मुंह में घुल जाने वाला स्वादिष्ट हलवा आप भी बनाइए और खाइए और अपनी फैमिली को भी खिलाइए और अपनी फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।